अच्छा, थर्मल फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस और है। आइसो थर्मल हमने लास्ट किया था, उससे पहले आइसो बैरिक और आइसो कोरिक थे। एक प्रोसेस इसमें और है, हमने सब में एक एक चीज कांस्टेंट रखी थी। एक में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक में प्रेशर कांस्टेंट, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट। और अब जो आपके पास फोर्थ कैटेगरी होगी, फोर्थ कैटेगरी में ये होगा, ठीक है। वैसे तो सारे फैक्टर्स एक एक करके कांस्टेंट हमारे पास हो ही गए, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम हीट ट्रांसफर ही ना करें। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे पिछली सारी एग्जांपल्स जितनी भी थी, जितने भी प्रोसेस थे, सब में अपने हीट को ट्रांसफर किया, लेकिन इसमें जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, उसी से मॉलिक्यूल जो भी वर्क डन कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे। और अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन याद हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो साथ कंटिन्यू करोगे से क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चलती आ रही है, और इस क्वांटिटी में हमारे पास जो जीरो हो जाएगी वो ये वाली टर्म है, सॉरी ये इंटरनल एनर्जी को मार्क कर दिया। जो टर्म इस बार जीरो होगी वो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब हम हीट ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, तो जो क्यू का सिंबल है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो आपके पास जीरो हो जाएगा। और ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा यू प्लस यू के इक्वल। और जब हम यू को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर, हो जाएगा माइनस यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हमें ये आइडिया हो रहा है कि एक साइड पे तो वर्क डन है, और उस वर्क डन को करने के लिए जो इक्वल जिस क्वांटिटी के ये आ रहा है वो है इंटरनल एनर्जी, वो भी माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको वर्क डन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और जो वर्क डन होगा वो हमारे पास एज इट इज डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। वर्क डन बाय अ गैस, तो ये इक्वेशन हो गई कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज करेगा। तो एक चीज इससे और आइडेंटिफाई हो गई, टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा। और इसमें कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसमें पहली चीज ये कि जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो गैस जो हम यूज कर रहे हैं वो कूल डाउन हो जाएगी। When it does work, और second, अब अगर आप सिस्टम पे वर्क डन करते हो, मतलब एक है पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो गैस कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिस्टन से गैस को पुश करने की कोशिश करो तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो गैस हीट अप व्हेन वर्क इज
डन ऑन इट। तो जब हम गैस पे वर्क करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस हो गए कंप्लीट यहाँ तक। इसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख लिए, जिससे आपको आइडिया हो गया कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसमें एक बॉक्स टाइप मतलब टेबल गिवन होता है और उसमें सब पूरे प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और उसमें हमने सॉल्व करना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है। एक दो बार वो वाला क्वेश्चन कर लोगे तो फिर इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसका पैटर्न किस तरह से होता है, और आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई फॉर्मूला, ये सबसे इजी हो जाता है हमारे लिए कि कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अच्छा, ये हमारे पास थर्मल के क्वेश्चंस हैं, और इससे एक अक्टूबर नवंबर के वेरिएंट में वो क्वेश्चन है हमारे पास, मई जून के वेरिएंट्स आ गए सब। ये रहा। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक स्टेट द बेसिक अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस दैट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द एटम्स ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। अच्छा, ये वो सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारी आइडियल गैस की जो सिचुएशंस थी, इससे रिलेटेड वो आपसे कह रहे हैं कि आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो इस चीज़ को आपने इन पॉइंट की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मोशन तो वहाँ पर है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं, अब वो उन्होंने कहा है कि वो जीरो है आपके पास आइडियल गैस की, और उसको आपने उस थ्योरी को यूज करते हुए एक्सप्लेन करना है। तो अब जिस तरह हम ग्रेविटी की बात करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर गए, वहां से आप ड्रॉप करते हो, तो हमें पता होता है उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, तो वो एक इंटरनल आपके पास एनर्जी होती है। और इन पॉइंट्स में हमने देखा है कि पॉइंट नंबर थ्री अगर आप नोट करो, तो पॉइंट नंबर थ्री में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो नेग्लिजिबल का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो इक्वल्स टू जीरो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये चीज़ इसको इंडिकेट कर रही है कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी जीरो होगी। तो आपने बस ये पोस्टुलेट यहाँ पर लिखना है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो देयर इज नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
ऑफ अट्रैक्शन। और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है, और इंटरनल एनर्जी हमने पहले डिफाइन किया था कि वो आपके पास काइनेटिक और मॉलिक्यूलर सॉरी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की, उसके सम को हम कहते हैं। तो इट इज द सम ऑफ, ये वैसे हमने सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है नोट्स में भी, सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन। और उसके बाद है पार्ट थ्री, एक्सप्लेन व्हाई एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी, ये दोनों डायरेक्टली लिंक उन्होंने बताया। तो अब आपने बताना है ये दोनों डायरेक्टली कैसे हैं। और अभी हमने यहाँ पर भी लिखा कि अगर फोर्थ सिचुएशन में कि अगर आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम में तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ पूछी कि इंटरनल एनर्जी आपके पास डायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर के साथ लिंक है, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है ये डायरेक्टली कैसे लिंक हो सकते हैं या इनका डायरेक्ट लिंक क्या है। अब क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस में अभी हमने ऊपर लिखा कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब ये कि वो डिपेंड करेगा सिर्फ काइनेटिक पे। तो काइनेटिक का लिंक ये होगा इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये चीज हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो सिंपल सा आपके पास लिंक मिल गया आपको कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज ऑफ टेम्परेचर के। डायरेक्टली द चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से हम उसको लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सारी चीजें वो पोस्टुलेट से ही लिंक थी जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। सर समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें जो मेन पार्ट है ना, जो हमने प्रोसेस डिस्कस किए हैं, अब वो क्वेश्चन आपके पास ये इस तरह से होता है। आपके पास टेबल गिवन होता है और सब चीज़ें जो है वो आपने ग्राफ को देखते हुए फॉलो करके इसको आंसर करनी होती है। अब इसमें अगर आप पहले ग्राफ को एक रफली हम देख लें,
तो बेसिकली ये पी क्यू आर, ऊपर पी से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेटअप ग्राफ का। तो यहाँ पी से स्टार्ट होकर क्यू की तरफ आया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। और क्यू से लेकर आर तक कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, पहले कांस्टेंट प्रेशर था, अब कांस्टेंट वॉल्यूम है दूसरे में। फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली दोनों चीजें चेंज होते हुए आर से हम पी की तरफ दोबारा गए। तो ये हमारे पास अभी ग्राफ का सिनेरियो, हम क्वेश्चन देखते हैं फिर दोबारा ग्राफ पे आएंगे कि क्या चीज़ वो हमसे पूछ रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड। और इसमें हमारे पास है स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल पी क्यू आर पी। अब वो बात करें कि स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल जो होगा पी क्यू आर पी, यानी पी से स्टार्ट होकर आप वापस पी पर आकर एंड करोगे, तो उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो सकता है? एक बार ग्राफ को देखकर फिर आप बताओ कि क्या चेंज इंटरनल एनर्जी में आ सकता है। अब अगर हम ग्राफ को देखेंगे ना वैल्यूज से, तो हमें इजीली आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हम पी से क्यू गए, क्यू से आर, आर से पी, तो सिंपल वर्ड्स में हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं पर आकर एंड हुए, तो चेंज क्या होना चाहिए इंटरनल एनर्जी का? क्योंकि जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर अब जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट में अगर आप 5 मीटर्स फॉरवर्ड गए, 5 मीटर्स बैकवर्ड आए, इसका मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, उस वजह से हम उसे जीरो कंसिडर करते हैं। तो इसी वजह से हमने 8 से स्टार्ट किया, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कॉन्स्टेंट रहा, फिर चेंज हुआ दोबारा से 8 पर आया। इसका मतलब ये कि हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया ही नहीं, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं पर आकर दोबारा उसी वॉल्यूम और प्रेशर पे हैं। तो इसका मतलब है कोई चेंज आपके पास वहाँ पर हुआ ही नहीं। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम पी टू क्यू। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है और हमने सेक्शन फॉलो करना है फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी से क्यू हम देखते हैं क्या चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, पी से क्यू अगर हम देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो पहला वॉल्यूम हमें मिल रहा है 8 एक्सपोनेंट -4, मीटर क्यूब। और दूसरा वॉल्यूम हमें मिल रहा है 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, यह हमने ग्राफ से देखकर आइडेंटिफाई किया फ्रॉम पी टू क्यू। तो वॉल्यूम क्योंकि चेंज हो रहा है, प्रेशर लेकिन सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू को भी हम आइडेंटिफाई करें अगर, तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 4 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 × 10⁵ पास्कल्स प्रेशर हमारे पास सेम है। तो ये क्वांटिटीज हमने ड्राइव की हैं अपने ग्राफ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्क डन करने के लिए हमने क्या इक्वेशन ड्राइव की थी। तो अगर आपको नहीं भी याद हो तो हमने यहाँ पर लिखा था कि वर्क डन इक्वल होगा पी इंटू डेल्टा वी के। तो अभी हमें सिर्फ ये वाली इक्वेशन सिंपल सी यूज करनी है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी
और प्रेशर अभी हमने लिखा था 4 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये कि पहले हम 8 पर थे एक्सपोनेंट माइनस 4, फिर हम 2 पर आ गए एक्सपोनेंट माइनस 4। हम इसे लिखेंगे 2 माइनस 8 और एक्सपोनेंट माइनस 4, और इसको आप कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आता है आपके पास वर्क डन का। अब यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 240 जूल्स। -240 ठीक है, अब वो माइनस आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप उस माइनस साइन को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, मतलब पिस्टन जो है आप उसको प्रेस करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वर्क किया ऑन द गैस। जब आप गैस पे वर्क करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव ही आ रहा होगा, और जब गैस वर्क करेगी मतलब आप क्यू से रिवर्स जाओ पी की तरफ तो फिर ये आंसर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो हम इसे 240 जूल्स लिखेंगे और माइनस साइन का रेफरेंस जो है वो ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस और बाय द गैस में कवर हो जाएगा अभी जब हम टेबल सॉल्व करेंगे। ये देखो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन ऑन, ऑन का मतलब ये कि माइनस में आंसर आएगा। अच्छा, अब इस बॉक्स को फिल करते हैं सब। पहले तो पी से क्यू जाना था हमने, पी से क्यू वाली बात तो अभी कर ली हमने, और आंसर जो आ रहा है वो इक्वल है 240 के, और हमें माइनस अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमने ऑन द गैस ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है, तो हमें पता है ऑन द गैस यही आएगा। और हीट सप्लाई जो हमने की थी वो -600 जूल्स के इक्वल है, तो फाइनल जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम उसी को यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन थी क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और अब उन्होंने कहा है कि हीट आपके पास -600 है और वर्क डन आपका 240 है, और हमने अब फाइंड आउट करनी है एनर्जी। ये हो जाएगा -600 और वर्क डन आपका था -240 क्योंकि ऑन द सिस्टम है, तो हम डेल्टा यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। 600 माइनस प्लस 240, तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आंसर आपके पास इक्वल होगा -360 -360, क्योंकि कॉलम में ऊपर पहले ऑन लिखा हुआ है तो इसलिए हम वहां माइनस नहीं लिख रहे क्योंकि वहां पे अंडरस्टूड बात है, वरना अगर आप लिखना भी चाहो तो कोई इशू नहीं है, ताकि चीज क्लियर रहे कि माइनस था हमारे पास। और सेकंड पार्ट में आप देखो Q टू R वैसे अगर हम देखें, सो Q से R तक हमने कोई वॉल्यूम चेंज नहीं किया, तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता इसका मतलब है वर्क डन आपका 0 होता है। इसका मतलब है Q से R हमने कोई वर्क किया ही नहीं है, इसलिए Q से R हमारे पास वर्क डन 0 है।
और जो हीट सप्लाई हुई है वो सब की सब कन्वर्ट हुई है आपकी इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो इसमें तो सिंपल सा जो आंसर है वो यही आ जाएगा, क्योंकि कुछ यूटिलाइज ही नहीं हुआ वर्क डन में। फिर उसके बाद आर से पी की हम बात करें, तो एक बार आर से पी हम चेक कर लेते हैं चेंज क्या आया था। तो आर से पी आपके पास ग्रेजुअली दोनों क्वांटिटीज में चेंज आया है। तो आर से पी में अगर हम देखें तो हीट सप्लाइड है 480 और 480 का मतलब ये है कि आपने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है। अब लेट सपोज, अब इसमें भी अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो सिर्फ हमें क्यू की वैल्यू पता है, डब्ल्यू और इंटरनल एनर्जी हमारे पास अननोन है। तो बेसिकली अगर हम पहले पार्ट में देखें पी से क्यू, तो पी से क्यू तक आने में हमारे पास जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी थी वो -360 थी, तो वो सेम एनर्जी हमारे पास यहाँ पर भी यूज होगी, क्योंकि अब हम दोबारा आर से पी यानी बिल्कुल टॉप तक जा रहे हैं और आर भी उसी लेवल पर था जिस लेवल पर क्यू है ग्राफ में अगर आप देखो, तो दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, सिर्फ प्रेशर का फर्क है, बाकी क्यू और आर का दोनों का लेवल सेम है। तो आप पहले पी से क्यू आए थे, अब आप क्यू से पी की तरफ जा रहे हो या आर से पी, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो सेम पॉइंट की तरफ है। हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा वो -360 के इक्वल होगा, और फिर हम इसको दोबारा से फॉर्मूला में यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। और यहाँ पर जो हीट है वो 480 है, वर्क डन अननोन है, अच्छा वर्क डन ऑन द गैस है, तो वर्क डन ऑन द गैस का मतलब है ये माइनस में होगा, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम 480 को यहाँ ले आएंगे, W को वहाँ शिफ्ट करेंगे, W लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा और 480 यहाँ पर नेगेटिव और 360 भी नेगेटिव। तो आपका जो आंसर होगा 4567840। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे बस उसमें आपने ये थोड़ा सा इन और आउट का बस माइंड में रखना होता है, बाकी इसमें कोई कितनी कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक होता है, तो उसमें आप जो है वो इजीली रिलेट कर सकते हो कि कौन सी क्वांटिटी पहले कैसी थी बाद में कैसी है, उससे पॉइंट्स में आपको हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो वर्क डन से रिलेटेड मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ चीजें। अब इसके बाद इसमें बेसिकली डेरिवेशन आएगी एक प्रेशर वाली, वो हम उसमें नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, क्योंकि वो पूरी एक डिटेल्ड डेरिवेशन है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आएगा प्रेशर से रिलेटेड कि अगर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। और उससे पहले जो है वो अभी हम जो वर्क डन की बात कर रहे थे, तो बेसिकली वर्क डन में हमने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये पॉइंट्स होंगे कि जब गैस एक्सपेंड करती है व्हेन द गैस एक्सपेंड्स, और एक्सपेंड का मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है,
तो मतलब है वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में आपने ये याद रखना है कि वर्क इज डन बाय द गैस। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कंप्रेशन करेंगे जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा कि वॉल्यूम आपका जहाँ पे इंक्रीज हुआ था फर्स्ट टाइम में पी से क्यू, तो वो कंप्रेशन वाला ही प्रोसेस था, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा था। और वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब ये होगा कि वर्क इज डन ऑन द गैस। और इसमें हमारे पास एक शॉर्ट टर्म्स में अगर आपको याद रखनी हो कि प्लस माइनस आपने कब यूज़ करना है, तो जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में लिखोगे। और सेकंड पार्ट में जब गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन को हम पॉजिटिव में लिखेंगे। और इसी तरह इंटरनल एनर्जी के भी अगर आप पॉइंट्स लिखो तो इंटरनल एनर्जी में सबसे पहली चीज हमारे पास अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें पॉजिटिव वैल्यू और इंटरनल एनर्जी मींस जब हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आपके पास ये चीज़ें हो सकती है कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो तब हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सेकेंडली जब आपके सिस्टम हीट को ऐड किया जाएगा एडेड टू द सिस्टम, तो कहीं पर अगर हीट सप्लाई की जा रही है तो इसका मतलब है आपने इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लिखना है क्योंकि उस हीट को यूटिलाइज करके वो इंटरनल एनर्जी बनाएंगे। और तीसरा इंडिकेशन ये होगा कि जो वर्क डन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और सिंपल वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो बाय गैस। ठीक है, तो जो गैस वर्क करेगी उसकी बात है ये। और इसके बाद अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज की बात करें तो वो डेफिनेटली सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगी। एनर्जी मीन्स सबसे पहली चीज कि आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी वहां पर, तो तब हम माइनस साइन यूज करेंगे। और दूसरा हीट एनर्जी बाहर सिस्टम से मूव कर रही होगी
हीट इज टेकन अवे द सिस्टम और लास्ट पॉइंट के वर्क इज डन सॉरी ऑन द गैस इट मींस बाय द सिस्टम पर मैंने गैस लिख दिया, ये सिस्टम था बेसिकली बाय गैस तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये करेक्शन है कि ये ऑन द सिस्टम है और ये बाय द सिस्टम है, इसका मतलब है ऑन द गैस। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?